दोस्तों ये देखिए, आज हमने जो है मछली पकड़ने के लिए हुक डाला था दोस्तों रात को, लेकिन सुबह देखा तो पूरी बड़ी नाग जो है इसमें फंसी है। हुक में आप देख पा रहे होंगे, पूरी बड़ी नाग है। और ये आज हुक में मेंढक लगाकर हमने जो है हुक डाला था अपना, लेकिन पूरे मेंढक को जो है नाग निगल रखी है। देख, ये देख पा रहे होंगे, मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देख भी पा रहे होंगे कितनी बड़ी नाग है दोस्तों, ये देखिए। अपनी तरफ पूरा जोर लगाए हुए है दोस्तों, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, पूरे मेंढक को जो है नाग निगल चुकी है, और आज जो है हुक में फंसी है दोस्तों। ये छोटे हुक थे हमारे, जो तीन हुक होते हैं वो छोटे तीन हुक लगाए थे हमने, उसमें मेंढक लगा के तालाब में डाला था मछली पकड़ने के लिए, लेकिन नाग फंसी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और पूरा जोर नीचे जो है पूरा लपेटा लगा लिया है दोस्तों, और छुड़वाने की कोशिश कर रही है, लेकिन काटा जो है काफ़ी तेज उलझा हुआ है। ये देखिए, जो दांत होते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे आपको, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जिससे सांप जो है अपना जहर छोड़ता है। ये देखिए ऊपर की तरफ दिख रहे होंगे आपको भी, ऊपर की तरफ दिख रहे होंगे दोस्तों, ये जो दांत होते हैं दो, इसी से अपना जहर उगलती है नाग, ये देखिए। और आज हमारे हुक में फंस गई है दोस्तों, ये देखिए। आप भी अगर यदि मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखें, यदि मछली ही लगाकर हुक में आप डाल रहे हो, तो दोस्तों नाग से बचने के लिए आप मेथी का इस्तेमाल कीजिएगा, जो दानेदार सूखी मेथी होती है वो थोड़ा पीस करके आप अपने साथ ले करके जाइए, और जहाँ पर भी आप हुक डाल रहे हो पहले वहाँ पर मेथी डालिएगा, तभी जाकर जो है आप अपना हुक डालिएगा, क्योंकि मेथी से जो है दोस्तों नाग दूर भाग जाती है, ठीक है। और क्योंकि ये जो मेंढक होता है, केचुआ होता है, अट्रैक्टिव होता है दोस्तों मछली का नाग के लिए, इसलिए ध्यान रखें आप भी, यदि आप हुक डाल रहे हो तो नाग से बचने के लिए जो है मेथी का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। ये हमारे हुक में फंसी हुई है और पूरी जो है पूरा जोर लगा रही है, ये देखिए, ये देखिए लपेटा लाए हुए है।